थी, तो उन प्रॉब्लम्स को लेके अपन करते हैं सॉल्यूशन। अभी अपना 7 चैप्टर चल रहा है, जो एन कोटि के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चल रहे हैं, तो उसके भी क्वेश्चन आप साथ ही साथ में करते रहना, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की भी जो जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे को मैसेज में बता देना या कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि उनके भी अपन सॉल्यूशन करवा दें। देखो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चंस हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो पेशेंस बनाए रखते हुए उन क्वेश्चंस को अपने को सोल्व करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर किया करो। एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लेना अपनी बुक में कितने नंबर का क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ। क्वेश्चन ये है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि मानक रूप में चेंज करेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वन, इससे गुणा हुआ तो एक्स माइनस वन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें आप माइनस को कॉमन ले लो, अगर माइनस को कॉमन लोगे तो ये एक्स माइनस वन हो जाएगा, और एक्स माइनस वन से कॉमन गुणा हुआ तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव की टर्म्स को तो पहले ही लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको आप राइट में ले आओ तो माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी राइट में ले आओ तो प्लस का वाई, और इसको माइनस का है उसको लेफ्ट में ले जाओ तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बन गया। मानक रूप में चेंज करो, तो मानक रूप में चेंज का मतलब एक्स माइनस वन का भाग दे दो, तो एक्स माइनस वन का जब आप भाग दोगे दोस्तों तो ये बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन वाई बराबर एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। अब सबसे पहले तो प्राचल विचरण विधि के लिए आपको सी एफ निकालना पड़ता है, तो मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण एक का सी एफ ज्ञात करने के लिए, सी एफ ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण को हल करेंगे, निम्न समीकरण को हल करेंगे। किसको हल करेंगे भाई, जब भी सी एफ की बात करते हैं तो क्यू एक्स का मान कितना ले लिया जाता है, जीरो, तो मैं यह लिखूंगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अच्छा, इसके अंदर तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन वाई बराबर जीरो, राइट पार्ट को जीरो ले लिया। अच्छा, अब मानक रूप से तुलना करोगे तो पी पी तो कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स के गुणांक को तो पी बोला जाता है, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो हो गया पी। क्यों कितना होता है, जो वाई का गुणांक होता है वो क्यों होता है, ये एक्स माइनस वन। दोस्तों आप दो चीज चेक करो, एक तो पी प्लस क्यू एक्स का मान जीरो है, पी प्लस क्यू एक्स का मान कितना है, जीरो, तो पी प्लस क्यू एक्स का मान जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूँ अतः वाई बराबर एक्स है पूरक फलन का एक भाग है, का एक भाग है।
वही अगर p प्लस क्यू एक्स जीरो होता है तो y बराबर एक्स पूरा फलन का एक भाग है। इसके अलावा आप एक बार 1 प्लस पी प्लस क्यू करो, तो आप 1 p का मान ये रखो माइनस एक्स अपोन एक्स माइनस वन, और q कितना है 1 अपोन एक्स माइनस वन। ऐसा करने से ये बना एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपोन एक्स माइनस वन, एलसीएम ले लिया और ये भी मान कितना हो गया जीरो, तो पी प्लस क्यू एक्स भी जीरो हो गया और वन प्लस पी प्लस क्यू भी जीरो हो गया। अब बताओ वन प्लस पी प्लस क्यू का मान जीरो हो जाता है तो अपन क्या लिखते हैं, तो मैं यह लिखूंगा यहाँ से, क्योंकि वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो, अतः वाई बराबर ई की पावर एक्स पूरक फलन का दूसरा भाग है, पूरक फलन का दूसरा भाग है। भाई एक भाग तो वाई बराबर एक्स आ गया था यहाँ से, और एक भाग वाई बराबर ई की पावर एक्स आ गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ यानी अतः जो वाई बराबर भाई सी वन इंटू एक्स पूरक फलन का एक भाग और सी टू इंटू ई की पावर एक्स, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू। समीकरण टू का क्या है, समीकरण टू का सॉल्यूशन है, या समीकरण एक का सी एफ है, ऐसे लिख दो, समीकरण एक का सी एफ है, वाई बराबर सी वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स, ये जो समीकरण नंबर एक दिया है ना ये वाला, इसका सी एफ है ये। अब अपने को तो क्या निकालना है, अपने को तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, और प्राचल विचरण विधि में क्या करते हैं, प्राचल विचरण विधि में सबसे पहले सी एफ निकालते हैं, तो सी एफ तो बहुत आसानी से इसका आ गया। मैं लिखूंगा माना माना समीकरण एक का पूर्ण हल है, माना समीकरण एक का पूर्ण हल है, ये जो समीकरण एक है ना इसका पूर्ण हल वाई बराबर सी वन और सी टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, उनकी जगह वेरिएबल मान लो ए और बी, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एक्स है, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन एक दो और तीन, माना समीकरण एक का पूर्ण हल ये है। अब पूर्ण हल ये है तो एक तो दोस्तों आप निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ए को रोका एक्स का उकलन वन, फिर एक्स को रोका ए का उकलन ए वन, ठीक है, ए वन का मान है डी ए अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, फिर बी को रोका ई की पावर एक्स का उकलन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को रोका और बी का उकलन कितना है बी वन, चलो ठीक है, यहाँ से ए वन और बी वन की टर्म जीरो ले ली जाती है, तो ए वन की टर्म तो ए वन एक्स और बी वन की टर्म है बी वन ई की पावर एक्स, इसको तो ले लिया जाता है जीरो, और जीरो ले लेंगे तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर चार। और अब बच क्या गया, इसलिए ये जो बच गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बच गया ए प्लस बी की पावर एक्स, भाई इसको जीरो ले लिया तो ये बन गया ए प्लस बी की पावर एक्स, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर है 5। ओके फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए, फिर अपन अगली स्लाइड में चलते हैं, आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, इन क्वेश्चंस को अपने को सोल्व करना है। ओके चलो ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आया वो कितना आया ए प्लस बी की पावर एक्स, राइट। अब आप यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ए का उकलन तो ए वन, फिर बी को रोका ई की पावर एक्स का उकलन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स को रोका और बी का उकलन बी वन, और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 6। भाई 5 तो ये था, 6 ये। अब मैं ये बोलूंगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, इन तीनों से मान उठाओ और आप जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये वाला इक्वेशन नंबर 1, उसमें पुट कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्वेशन तीन पाँच और 6 से मान मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर, इक्वेशन 1 में पुट करो। अब देखिएगा आप, इक्वेशन 1 ये रहा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो बताओ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह तो ये मान रख दे कौन सा, ए वन प्लस बी की पावर एक्स प्लस बी वन ई की पावर एक्स, ये तो मान यहाँ आ गया। अब ये गुणा में कितना है, माइनस का एक्स अपॉन एक्स प्लस वन,
तो मैं लिख देता हूँ यहाँ माइनस का x अपोन एक्स माइनस वन, और ये कितना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये मान रख दो आप ए प्लस बी की पावर एक्स, ए प्लस बी की पावर एक्स। फिर आगे देखिए ये कितना है प्लस का वन अपोन एक्स माइनस वन, तो प्लस का वन अपोन एक्स माइनस वन, इसके गुणा में आपको लिखना है वाई। देखिए आप वाई कितना है, वाई का मान है ए एक्स प्लस बी की पावर एक्स, तो वाई का मान है ए एक्स प्लस बी की पावर एक्स बराबर, और राइट साइड में एक्स माइनस वन। क्या किया है मैंने दोस्तों, मान इक्वेशन नंबर 3, 5 और ये 6 इनसे मान उठा के ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब आप इसको सोल्व करो, सोल्व करने से एक चीज़ है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी के गुणांक 0 होने चाहिए, और जो टर्म बचनी चाहिए ना वो ए वन और बी वन की टर्म ही बचनी चाहिए। तो ए वन और बी वन की टर्मों को, तो ए वन की टर्म ये और बी वन की टर्म ये लिख लिया प्लस। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ ये कितना है बी की पावर एक्स, इसको ए से गुणा करोगे तो ये बना ए एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का बी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इसको लिखोगे तो ये बना ए एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और इसको लिखोगे यहाँ तो ये बना बी की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बराबर एक्स माइनस वन। केवल स्टेप को खोला है और इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो गई, ये बना ए वन प्लस बी वन ई की पावर एक्स प्लस, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तीनों कटनी चाहिए, तो बी की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा वन, यहाँ कितना बचा माइनस का एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बी की पावर एक्स कॉमन लेने से, और ये जो लास्ट में बचा वो बचा एक्स माइनस वन बराबर एक्स माइनस वन। और आप इसको सोल्व करोगे ना दोस्तों तो इस पूरे का मान कितना निकल के आएगा, जीरो। एक बी की पावर एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, और इसको सोल्व करोगे तो इस पूरे का मान कितना निकल के आएगा, जीरो। जीरो निकल के आया तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ए वन प्लस बी वन ई की पावर एक्स का जो मान है वो कितना है एक्स माइनस वन, और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 7। ओके अब मैं क्या करूँगा कि एक इक्वेशन नंबर 7 है और एक इक्वेशन नंबर 3 था, देखो इक्वेशन 3 को लिख लेता हूँ मैं यहाँ ए वन एक्स प्लस बी वन ई की पावर एक्स बराबर जीरो, ये इक्वेशन नंबर 3 था भाई, ये दिख रहा होगा आपको इक्वेशन नंबर 3, देखो ये रहा सॉरी 4, इक्वेशन नंबर कौन सा था 4, ए वन एक्स प्लस बी वन ई की पावर एक्स बराबर जीरो। इन इन दोनों इक्वेशन को 4 और 7 को सोल्व करेंगे और ए वन और बी वन का मान निकालेंगे, तो कैसे सोल्व करें देखो, बाई इक्वेशन 7, बाई इक्वेशन 7 ये कितना है ए वन प्लस ये जो बी की पावर एक्स है ना, इसका मान यहाँ से बी की पावर एक्स का इक्वेशन नंबर 4 से मान निकालूंगा तो बी वन ई की पावर एक्स का मान बताओ कितना है, माइनस का ए वन एक्स है। ये इक्वेशन नंबर किससे निकला, इक्वेशन नंबर 4 से बी वन ई की पावर एक्स का मान कितना निकला, माइनस का ए वन एक्स, तो इस बी की पावर एक्स को की जगह माइनस का ए वन एक्स, और ये जो मान आप इक्वेशन नंबर 7 में रखोगे यहाँ से मान उठा के यहाँ रखोगे तो ये ठीक है, ये ए वन हो गया, ये प्लस का चिन्ह, और बी वन ई की पावर एक्स की जगह ये लिख दिया, ये कितना है एक्स माइनस वन। आप यहाँ से ए वन को मन ले लो तो ये बना वन माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो ए वन वन माइनस एक्स बराबर माइनस को मन ले लिया वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स कट गया तो ए वन का मान कितना है माइनस का वन, और ए वन का मान माइनस का वन है तो बताओ ए वन को क्या कहा जाता है, डी अपॉन डी एक्स कहा जाता है, उसका मान माइनस वन है। इंटीग्रेशन करो तो ए का मान आ गया माइनस का एक्स प्लस सी वन, एक तो ए की वैल्यू निकालनी थी और ए की वैल्यू मेरे को मिल गई दोस्तों। आप देख लीजिए इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, वरना फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ए की वैल्यू मिल गई। अब अगली स्लाइड की बात करते हैं, अब आप दोस्तों किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको बी वन की निकालनी है, तो आप यहां से देखिए बी वन ई की पावर एक्स का मान बताओ कितना है, इसको आप लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस का ए वन एक्स, और ए वन का मान यहाँ से कितना आया, ए वन का मान माइनस वन आया,
तो यहाँ पे ए वन की जगह माइनस वन रखोगे तो आप माइनस का माइनस वन इंटू एक्स ये लिखोगे ना, तो बताओ ये कितना हो गया एक्स। अब आप इसको सोल्व कर दो, और इसको सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकालो, बी वन की। तो बी वन ई की पावर एक्स को आप राइट में लेके आओगे तो भाग में आएगा, और ऊपर ले जाओगे तो ये आएगा। और बताओ आप दोनों तरफ इंटरग्रेशन करोगे तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी टू, ठीक है ना। ये बी का मान बस आईलेट से इंटीग्रेशन करो, पहला फंक्शन एक्स को मानो, दूसरे फंक्शन का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, माइनस पहले फंक्शन का अवकलन एक्स का अवकलन वन, ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन अपॉन माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस का सी टू। तो ये बना बी बराबर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस का सी टू। तो ये बना बी बराबर माइनस का एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और इसका समाकलन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी टू। तो कुल मिला के जो बी का मान आया वो माइनस का एक्स प्लस वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी टू, ये जो मान आया है वो मान आया है बी का। ओके फ्रेंड्स, अब देखो चूंकि जो सॉल्यूशन माना था वो कितना माना था, y बराबर ए एक्स प्लस बी की पावर एक्स, तो y बराबर ए एक्स। बताओ a का मान कितना आया है, a का मान आया है माइनस का x प्लस सी वन, तो a का जो मान आया है माइनस का x प्लस सी वन इंटू एक्स। फिर b का मान ये रहा, b को e की पावर x से गुणा कर दो, इस e की पावर x को b से गुणा करोगे तो ये बना x प्लस वन, और e की पावर x को e की पावर माइनस एक्स से कैंसिल किया, गुणा होते कैंसिल, और प्लस सी टू ई की पावर x। अब इसको इससे गुणा करके लिखोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स माइनस वन प्लस सी टू ई की पावर x। तो बताओ मैंने ये लिखा सी वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर x, और इन तीनों में माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बना वाई बराबर सी वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स माइनस कॉमन वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सॉल्यूशन आ गया है दोस्तों अपना। तो आप बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को, मैं इस क्वेश्चन की जो भी स्लाइड है वो स्लाइड एक बार आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये तो पहली स्लाइड थी, आप वीडियोज़ को ऑनलाइन देखा करो, डाउनलोड मत किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए आप कि ए आर मैथमेटिक्स अकेडमी पर आपको मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज निःशुल्क उपलब्ध हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, और ए आर मैथमेटिक्स अकेडमी के प्रति अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए दोस्तों। ये पहली स्लाइड आपकी, ओके ना। चलो अपन आगे चले, ये अपनी दूसरी स्लाइड जिसमें अपन ने ए वन की वैल्यू निकाली थी माइनस का एक्स प्लस सी वन। और ये लीजिए आपकी तीसरी स्लाइड है जिसमें अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन बी वन की वैल्यू निकाल कर कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब दोस्तों अपनी जो भी बुक है उसमें आंसर मैच कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, इसके बाद में अपनी जो मेन बुक है मैथमेटिक्स की उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिख लेना। और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया था तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।